सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप क्रिक लाइब्रेरी हिंदी की कोई भी नई अपडेट को मिस ना कर पाए। अगर आप अपने आईफोन की स्पीड, परफॉर्मेंस, स्टोरेज, बैटरी लाइफ और यहाँ तक कि नेटवर्क परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। इसके लिए आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाना है और एप्पल के इस नए फीचर स्क्रीन टाइम पर टैप करना है। और अगर आप इस फीचर को यूज नहीं करते हैं तो आप स्क्रीन टाइम को टर्न ऑफ कर सकते हैं। इसकी वजह से आपके आईफोन की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। अगर आपके पास ओल्डर डिवाइस है जैसे आईफोन 5S, 6S और 7, तो इसके लिए आपको आईफोन की सेटिंग्स में जाना है, फिर एक्सेसिबिलिटी और फिर मोशन सेलेक्ट करना है और मोशन ऑप्शन को इनेबल करना है। स्पीड इंप्रूव करने के लिए एक और ऑप्शन है, इसके लिए आपको डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज सेलेक्ट करना है और रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी को इनेबल करना है। इससे आपको iOS डिवाइस में मिलने वाली ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस होगी, लेकिन साथ ही फोन की स्पीड भी इंप्रूव होगी। एक और टिप है जिससे आप अपने iOS डिवाइस की स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाना है, फिर सफारी सेलेक्ट करना है। यहाँ स्क्रॉल करने पर आपको क्लियर हिस्ट्री एंड वेबसाइट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टैप करना है और क्लियर हिस्ट्री एंड डेटा पर टैप करना है। और ऑफ कोर्स लोकेशन सर्विस से भी आपके आईफोन की परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। और अगर आप लोकेशन सर्विस का यूज नहीं कर रहे हैं तो इसे आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। और एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है बैकग्राउंड ऐप्स। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, फिर जनरल, और यहाँ से आपको वो ऐप्स चूज करनी है जिन्हें आप बैकग्राउंड में यूज करना चाहते हैं। जिन ऐप्स को आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं उन्हें आप बैकग्राउंड से रिमूव नहीं करेंगे तो आपके डिवाइस पर कम लोड पड़ेगा, क्योंकि ऐप्स को बार बार ओपन करने से आपके डिवाइस पर ज्यादा लोड पड़ता है जिससे आपके डिवाइस की स्पीड स्लो होती है। आपके फोन की स्पीड, परफॉर्मेंस और स्टोरेज को इम्प्रूव करने के लिए एक और बेस्ट ऑप्शन है ऑफलोड ऐप्स। इसके लिए आपको अपने फोन की सेटिंग्स में iTunes एंड ऐप स्टोर ऑप्शन पर जाना है। यहाँ स्क्रॉल करने पर आपको ऑफलोड अनयूज्ड ऐप्स का टॉगल ऑन करना है। जो ऐप्स आपके कम यूज में आती हैं उन्हें ऑफलोड करने से वो ऐप्स आपके फोन में स्टोरेज नहीं लेंगी। एक और ऑप्शन है जिससे आप अपने फोन में काफी स्पेस सेव कर सकते हैं। आपने अपने डिवाइस में जो भी पॉडकास्ट सेव कर रखा है उसे डिलीट करने से आप अपने फोन में काफी स्पेस सेव कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।